इस देश के लोगों को गप्पे लड़ाना नहीं है पसंद, खामोशी है यहाँ की खूबसूरती। हम हिंदुस्तानी बहुत बातूनी होते हैं। कोई मिल भर जाए तो फिर जो बातों का सिलसिला शुरू होता है वो कई बार घंटों तक चलता रहता है। और क्या हाल है से शुरुआत होती है, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों तक खींचती चली जाती है। चाय की दुकान पर अनजान लोगों से बहसें लड़ाई जाती हैं। लोग पान खाने के शौकीन होने हो, पान की दुकान पर हो रही चर्चा में जरूर शामिल हो जाते हैं। ट्रेन के सफर में मुबाही से छिड़ जाते हैं कि कौन सा नेता अच्छा और कौन खराब है। पर एक देश ऐसा भी है जहां गपशप को बहुत बुरा माना जाता है, जहां खामोशी ही देश की संस्कृति है, जहां लोग एक दूसरे से ये पूछना भी नापसंद करते हैं कि क्या हाल है। उत्तरी यूरोपीय देश फिनलैंड में कहा जाता है कि खामोशी सोना है और बतियाना चांदी। फिनलैंड के लोग मानते हैं कि अगर कोई अहम बात चर्चा के लिए नहीं है तो खामोश रहना बेहतर है। फिनलैंड में करीबी दोस्तों को छोड़ दें तो लोगों के बीच छोटी मोटी गपशप बिल्कुल नहीं होती, हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा। कॉफी शॉप में जाएंगे तो बस इतनी सी बात होगी कि आप क्या चाहते हैं। आप किसी सार्वजनिक जगह पर बैठे हैं, टहल रहे हैं या मेट्रो में सफर कर रहे हैं, कोई बात करता नहीं नजर आएगा, सन्नाटा ही दिखेगा। लोग अपने आसपास से गुजर रहे अनजान लोगों से बेफिक्र रहते हैं, बात नहीं करते। ऐसे माहौल में किसी और देश के लोग शोर मचाने वाले समझे जाते हैं। फिनलैंड में सोना बात का बहुत चलन है। पूरे देश में करीब 20 लाख सोना हैं। इनमें लोग दोस्तों के साथ जाते हैं, कई बार बिना कपड़ों के ही साथ में सोना बात लेते हैं, यानी बंद ठिकानों में उन्हें ये नजदीकी नहीं अखरती। पर जैसे ही लोग सोना से बाहर आते हैं उनका मिजाज एकदम बदल जाता है। फिनलैंड के लोग अक्सर विदेशी नागरिकों, सैलानियों या दोस्तों से भी कहीं पर अचानक मिलने बतियाने में यकीन नहीं रखते। फिनलैंड में अंग्रेजी सिखाने वाली टीना लाइटवाला कहती हैं कि वो लोगों को जो ट्रेनिंग देती हैं, उसमें एक सबक ये भी है कि दूसरों से कैसे छोटी मोटी गपशप की जाए। ट्रेनिंग लेने वालों को कहा जाता है कि वो तसव्वुर करें कि कहीं जा रहे हैं और किसी से मुलाकात हो जाती है। टीना कहती हैं कि ट्रेनिंग के लिए आए लोगों को वाकई छोटी सी बात करने में भी मुश्किल हो रही थी। फिनलैंड की छात्रा एलिना जे प्रेमोप कहती हैं कि टीवी की वजह से वो दूसरे देशों की संस्कृति और गपशप की अहमियत से वाकिफ हुई हैं। मगर फिनलैंड में ये छोटी सी बात करना बहुत मुश्किल होता है। एलिना बताती हैं कि टीना की क्लास में हमें बुनियादी बातें सिखाएगी, जैसे कि आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी माँ कैसी है। ये वो सवाल जवाब थे जो बहुत बुनियादी थे, हमें इनके जवाब भी पता थे मगर वो हमारी बातचीत का हिस्सा नहीं थे। भाषा का पेचीदा होना है एक वजह। एलिना कहती हैं कि फिनलैंड के समाज को थोड़ा खुलने, थोड़ा बेतकल्लुफ होने की जरूरत है। अगर मेट्रो में मेरा सामान गिर जाए और मैं उसे उठाते हुए खुद पर हंसने लगूं, तो आसपास मौजूद अनजान लोग भी मेरी हंसी में शामिल हों। फिनलैंड के लोगों की खामोशी की कई वजहें बताई जाती हैं। पहली तो ये कि फिनिश भाषा बहुत पेचीदा है, सीधे संवाद मुश्किल है। फिर शहरों के बीच दूरियां भी बहुत हैं, इससे लोग छोटी बातों पर वक्त जाया करना पसंद नहीं करते। लेकिन हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली प्रोफेसर लॉरा कोल्बे कहती हैं कि फिनलैंड के लोगों को खामोश मुल्क का तमगा पड़ोसी देशों ने दिया। ओलू यूनिवर्सिटी की रिसर्चर डॉक्टर इनार वाटानेन इस बात से इत्तेफाक रखती हैं। वो कहती हैं कि फिनलैंड और दूसरी भाषाओं के बीच फर्क है, बयां करने में जज्बातों के मायने बदल जाते हैं। डॉक्टर इना कहती हैं कि तमाम देशों में ये सवाल आम है कि आप कैसे हैं? ये बातचीत शुरू करने वाला सवाल है, इसके जवाब में किसी गंभीर बात की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन फिनलैंड में यही बात मीता कुलू कहकर बोली जाती है। इस सवाल के जवाब में ठोस बात पूछी जाती है, मतलब ये कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है ये बताओ, या ये कि तुम्हारे जीवन में नया क्या हो रहा है ये बताओ।